हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन आवर चैनल कॉन्सेप्ट परफेक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए। यदि आपको आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बने रहे हमारे वीडियो में लास्ट तक। चलिए तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपको लेफ्ट राइट साइड में, ये आप जो देख रहे हो ये पिछले साल का कट ऑफ है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के लिए जनरल में AIR 1 से स्टार्ट हुआ था और 67 पे जाके क्लोज हो गया था, ठीक है। यदि हम EWS का बात करें तो उसमें जो रैंक चाहिए था, कि ये जो रैंक आप देख रहे हो कैटेगरी रैंक है, ठीक है। तो EWS के लिए जो रैंक था 6 to 20 था, ठीक है। और OBC के लिए ओपनिंग रैंक था 10 और क्लोजिंग रैंक था 58। यदि हम बात करें कंप्यूटर साइंस के लिए IIT बॉम्बे में, SC कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक था 2 और क्लोजिंग रैंक था 27। वहीं ST के लिए ओपनिंग रैंक था 1 और क्लोजिंग रैंक था 10, ठीक है। तो इस साइड आपने देखा, आपने स्क्रीन के राइट साइड में, कि कितना रैंक आपको चाहिए कैटेगरी वाइज, अब जिस भी कैटेगरी के हो। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मेल कैंडिडेट का। आप फीमेल हो तो ऑब्वियस सी बात है कुछ कम जाएगा, ठीक है। यदि हम अब हम बात करते हैं परसेंटेज मार्क्स का। देखिए, आईआईटी के एग्जाम में, जे एडवांस एग्जाम में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये फिक्स नहीं रहता है। हालांकि पिछले 2 साल में 360 मार्क्स का पेपर आ रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं मार्क्स मार्क्स यहाँ पे ना लिखते हुए परसेंटेज मार्क्स लिखा हूँ कि आपको इतना परसेंट मार्क्स चाहिए। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 74 to 79% मार्क्स लाने पड़ेंगे। यदि EWS से हो तो आपको 69 से 74% मार्क्स लाना होगा। यदि आपको IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो OBC से हो तो 62 to 67%, SC से हो तो 55 to 60%, ST से हो तो 45 से 50%, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का कंप्लीट वीडियो। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस लाने के लिए आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।